हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। बड़ी खबर, राज्य के 26 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान, दो दिनों तक सक्रिय रहेगा मानसून। जी हां, बिहार में अगले दो दिनों तक राजधानी पटना समेत 26 जिलों में बारिश के आसार है। इस अवधि में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ वज्रपात और मेघ गर्जन का भी पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा रिपोर्ट के अनुसार अगले दो दिनों तक राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, लखीसराय, बेगूसराय, जहानाबाद, बक्सर, नालंदा, गया, पटना, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, रोहतास, वैशाली, भभुआ, शिवहर, समस्तीपुर, दरभंगा जिलों में बारिश होगी। वहीं बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर वज्रपात की संभावना भी जताई गई है। खबर में देखिए, बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी, तेजस्वी यादव बोले पुलिस में होगी बम्पर भर्ती। जी हां, बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पुलिस विभाग में आने वाले दिनों में बम्पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शनिवार को हुई कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने यह बात कही है। तेजस्वी ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों के बाद अब पुलिस विभाग में भी नौकरियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है, अन्य विभागों के बाद अब पुलिस विभाग में भी भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। खबर देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के 11 जिलों में ग्रामीण एसपी की होगी तैनाती। जी हां, बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए महागठबंधन की नई सरकार ने बड़ा फैसला किया है। नीतीश और तेजस्वी की सरकार अवधि 11 जिलों में ग्रामीण एसपी तैनाती करेगी। फिलहाल केवल पटना जिले में ही ग्रामीण एसपी का पद, लेकिन सरकार ने फैसला किया है कि अब राज्य के 11 जिलों में एसपी ग्रामीण का पद होगा और अपर पुलिस अधीक्षक के 8 पद भी क्रिएट किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना जिले के अलावा गया, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सारण, रोहतास, सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय और मुंगेर में ग्रामीण एसपी का पद होगा। यहां तैनात होने वाले अधिकारी बिहार प्रशासनिक सेवा के स्टाफ अफसर रैंक के अधिकारी होंगे। खबर में देखिए, बीपीएससी के परीक्षा में एक कैमरे में बैठे 28 अभ्यर्थी में से 24 हुए पास, कोर्ट ने मांगा जवाब। जी हां, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की परीक्षा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एग्जाम के एक सेंटर पर 28 महिला अभ्यर्थियों को बैठा गया था, जिसमें 24 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास कर ली है। ये मामला कहीं ना कहीं हैरान करने वाला जरूर है। अब इसको लेकर निगरानी जांच के लिए दायर लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। 2 हफ्ते के अंदर ही आयोग को जवाब देना होगा। आपको बता दें कि इस मामले पर 9 अगस्त को अभियावेदन दिए गए थे, जिस पर राज्य सरकार, बीपीएससी, विजिलेंस और आर्थिक अपराध इकाई ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये परीक्षा विज्ञापन संख्या 6/20 के तहत ली गई थी, जिसे अब रद्द कराने की मांग शुरू हो गई है। बड़ी खबर में देखिए, यूपी प्लस बिहार, गई मोदी सरकार, 2024 चुनाव को लेकर सपा ने नीतीश कुमार के समर्थन में जारी किया पोस्टर। जी हां, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के विपक्ष को एकजुट करने का अभियान अपनी मंजिल की ओर खिसकता दिख रहा है। दरअसल यूपी में शनिवार को एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इस बात पर मुहर भी लगा रही है। समाजवादी पार्टी ने नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के साथ एक पोस्टर जारी किया है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने लखनऊ में पार्टी के मुख्यालय के बाहर बोर्ड लगवाए हैं, जिसमें अखिलेश यादव और नीतीश कुमार के तस्वीरों के साथ लिखा है, यूपी प्लस बिहार, गया मोदी सरकार। दरअसल हाल ही में नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के दिल्ली में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद में यह समीकरण तेज हो गए कि नीतीश कुमार को विपक्ष का चेहरा बनाने को लेकर अखिलेश यादव ने भी अपनी रजामंदी दे दी है। खबर में देखिए, ऑनलाइन डिस्टेंस डिग्री भी रेगुलर डिग्री के बराबर, बिहार में सिर्फ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस एजुकेशन की अनुमति। जी हां, बिहार में ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग डिग्री के लिए एडमिशन लेने वालों के लिए खुशखबरी है। दरअसल विश्वविद्यालय आयोग ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि अब मान्यता प्राप्त संस्थानों से हासिल की गई डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की डिग्री को भी पारंपरिक शिक्षा डिग्री के समान माना जाएगा। खबर, बिहार के 4 लाख छात्राओं के लिए खुशखबरी, अक्टूबर के अंत तक खाते में आएंगे 25,000 रुपए। जी हां, इंटर पास छात्राओं के लिए खुशखबरी है, उन्हें मिलने वाले प्रोत्साहन राशि यानी कि 25,000 रुपए अक्टूबर के अंत तक उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 2022 में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस संकाय में कुल
525,877 छात्राएं सफल हुई है। मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन योजना के तहत इंटरमीडिएट पास ऐसे छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है जिनकी शादी नहीं हुई हो। इस साल करीब 4,00,000 से ज्यादा छात्राओं को यह राशि दी जाएगी। खबर देखिए, विपक्षी पीएम फैसला बाद में फिलहाल ममता देगी नीतीश का साथ। जी हां, मिशन 2024 के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकजुटता का जो प्रयास किया है उस मुहिम में ममता बनर्जी भी नीतीश के साथ आ गई है। विपक्ष की तरफ से 2024 में पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा फिलहाल इस पर तो कोई चर्चा नहीं हो, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वह 2024 में विपक्षी एकजुटता की पक्षधर है। ममता बनर्जी ने कोलकाता में ऐलान करते हुए कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है तो दूसरी तरफ हम सभी विपक्षी दल एक साथ खड़े होंगे। बीजेपी के 300 सीटों का अहंकार 2024 में टूट जाएगा। खबर, पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर बनेगा विक्टोरियल मेमोरियल पंडाल, नवरात्रि के लिए की जा रही है तैयारी। जी हां, पटना शहर में नवरात्र पूजनोत्सव के लिए माता की प्रतिमा व पंडाल बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। बोरिंग रोड चौराहा पर हर वर्ष पटना वासियों को थीम आधारित पंडाल, मूर्तियां और लाइटिंग देखने को मिलती है। इस बार बोरिंग रोड में कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल देखने को मिलेगा। इसके निर्माण के लिए कलाकारों की टीम को पश्चिम बंगाल के मधुपुर से बुलाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंडाल 3000 वर्ग फीट में होगा। इसकी ऊंचाई 60 फीट और चौड़ाई 50 फीट होगी। पिछले कई सालों से पंडाल को देखने के लिए 10 से 12 लाख लोग आते रहे हैं। बड़ी खबर, दशहरा दिवाली पर हेड स्पीच और भड़काऊ पोस्ट पर नीतीश सरकार सख्त, पुलिस को कड़ाई से निपटने के आदेश। जी हां, हेड स्पीच और हेड पोस्ट पर राज्य सरकार सख्त हो गई है। हेड स्पीच से सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले तत्वों पर कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश जारी किया गया है। मुख्यालय ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। इसमें पूछा गया है कि हेड स्पीच के कितने मामले दर्ज किए गए हैं और आरोपियों पर क्या कार्रवाई हुई है। दशहरा और दीपावली पर हेड स्पीच और सोशल मीडिया पोस्ट से माहौल बिगाड़ने की साजिश की आशंका है। इसको लेकर सभी थानेदारों को वायरलेस मैसेज से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने सोशल साइट के हेड पोस्ट पर अंकुश के लिए किए जा रहे साइबर पेट्रोलिंग की व्यवस्था दुरुस्त रखने की हिदायत दी है। साथ ही हर 15 दिनों पर इस संबंध में मुख्यालय को हो रही कार्रवाई से अवगत कराने के लिए कहा गया है। वहीं SSP जयकांत ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में किसी तरह का हेड पोस्ट वायरल होता है तो ग्रुप एडमिन पर भी FIR दर्ज की जाएगी। सोशल साइट पर फेक अकाउंट को चिन्हित करने को लेकर भी मुख्यालय स्तर से साइबर सेल कार्रवाई करती है। खबर, बिहार में जमीन खरीद बिक्री के नियम में सरकार ने किया बदलाव, मॉडल डेड को लेकर आया यह नया आदेश। यह संपत्ति निबंधन के लिए अब मॉडल डेड उपयोग करने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। दस्तावेज नवेश अधिवक्ता अथवा मॉडल डेड में कोई भी विकल्प चुना जा सकता है। 1 सितंबर यानी आज से पटना, दानापुर, फुलवार, सरीफ, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में 100% मॉडल डेड से निबंधन का आदेश बीती 19 जुलाई को जारी किया गया था। खबर, बिहार के हर जिले में बनेगा मॉडल स्कूल, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया ऐलान। जी हां, बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद से कैबिनेट के मंत्री लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। इस बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी व मजबूत बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी व मजबूत बनाना हमारी प्राथमिकता है। बिहार के हर जिले में एक मॉडल स्कूल की अविलंब स्थापना होगी। साल भर में मॉडल को व्यापक तौर पर लागू किया जाएगा। परामर्श व सृजन के हर चरण में बच्चे, अभिभावक और अध्यापक भागीदार रहेंगे। के लिए बड़ी खबर में देखें, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के दिन मिलेगा खास ऑफर, थिएटर जाना होगा सस्ता। 16 सितंबर को देश भर में केवल 75 रुपए में मिलेगा फिल्म टिकट। जी हां, 16 सितंबर को देश भर में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर भारतीय जनता के लिए खास ऑफर सामने आया है। दरअसल भारत के मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यह फैसला किया है कि राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के दिन देश भर की सभी स्क्रीन के लिए केवल 75 रुपए ही चार्ज किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह सुविधा केवल आम मूवी थिएटर में ही नहीं बल्कि PVR, आईनॉक्स, सिनेपोलिस, मिराज, कार्निवल और वेब समेत तमाम जगहों पर उपलब्ध रहेगी। अमूमन सिनेमा हॉल में फिल्म लुप्त उठाने के लिए 200 से 300 रुपए तक खर्च करने पड़ जाते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग सिनेमा घरों तक जाने से बचते हैं। लेकिन अगर आप सस्ते दाम में अपनी फेवरेट फिल्म देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा मौका है।
खबर देखिए, बिहार के गया में अक्टूबर तक शुरू होगी डोंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी पहाड़ी रोपवे का काम, एजेंसी की खोज हुई शुरू। जी हां, गया के डोंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर 22 करोड़ रुपए से रोपवे का निर्माण जल्द शुरू होगा। रोपवे निर्माण के लिए एजेंसी की खोज शुरू हो गई है। डोंगेश्वरी रोपवे की अनुमानित लागत 14.87 करोड़ रुपये, जबकि ब्रह्मयोनी रोपवे की अनुमानित लागत 7.54 करोड़ रुपये आकी गई है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने टेंडर निकालकर एजेंसियों से दोनों रोपवे के डिजाइन, आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और संचालन से जुड़े काम के लिए निविदा आमंत्रित की है। इसके लिए 22 सितम्बर की अंतिम तारीख तय की गई है। इसी दिन तकनीकी निविदा खोली जाएगी। पर्यटन विभाग के वरीय अधिकारियों के अनुसार अक्टूबर तक डोंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बनने वाले रोपवे का काम शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अक्टूबर से होगी जातिगत जनगणना। जी हां, बिहार में जातिगत जनगणना अब सितंबर में नहीं बल्कि अक्टूबर में होगा। दरअसल राज्य में सितंबर और अक्टूबर महीने में संभावित नगर निकाय स्तरीय चुनाव को लेकर जातिया आधारित जनगणना का पेच अभी भी फंस सकता है। हालांकि इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके लिए हर स्तर से तैयारी की जा रही है, चाहे वह सामान्य प्रशासन विभाग हो या जिला स्तर हो। आपको बता दें कि जातिया आधारित जनगणना ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मोड से भी होना है। इसके लिए एक ऐप बनाने की तैयारी है, सितंबर तक इसे तैयार कर लिया जाएगा। इस ऐप में प्रगणक ऑनलाइन मोड से संबंधित परिवार की पूरी डिटेल देंगे। इसके अलावा एक फॉर्म भी भरा जाएगा जिसमें मौजूद कलम और फॉर्मेट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस फॉर्म को विभाग और जिला दोनों स्तर पर छपवाने की तैयारी में है। और मैं देखिए, बिहार में अब घर तक ऑनलाइन मंगाए गांव या कस्बे का नक्शा इस वेबसाइट से करें अप्लाई। जी हां, अब राज्य के नागरिक अपने गांव और कस्बे का नक्शा ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके लिए उन्हें सामान्य शुल्क का भुगतान करना होगा। डाक विभाग स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर से पहुंचा देगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने मंगलवार को नक्शे की डोर स्टेप डिलीवरी योजना की शुरुआत की है। विभाग 3 साल से काम में लगा था। मेहता ने कहा कि घर तक नक्शा पहुंचाने वाला बिहार इस देश का पहला राज्य बन गया है। डिजिटल नक्शे से जमीन विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑनलाइन नक्शा मंगाने के लिए निदेशालय के वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जाकर डोर स्टेप डिलीवरी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मिल रहे निर्देशों का पालन करते हुए अपने मोजे के नक्शा का ऑर्डर और उसका ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। एक सीट के नक्शा के लिए 285 रुपये का भुगतान करना होगा। इसमें कंटेनर का शुल्क और डाक वेब शामिल है। एक बार में एक कंटेनर में 5 सीट का ऑर्डर किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।